हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 4x + 2√x2 + x + 1, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो चलो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 9 है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले इसका इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? इन दोनों में 2 हमारा कॉमन निकल रहा है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे? बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने इसमें से 2 निकाल लिया कॉमन। तो इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट के अंदर है 2x + 1, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अभी x² + x + 1 dx। अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इस वाले को पहले लेकर आ जाते हैं और इस वाले को बाद में लेकर चले जाते हैं। अब 2 देखो, 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो 2 को बाहर निकाल दिया। अब रूट के अंदर क्या है? x² + x + 1, ये आ गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या है? ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई 2x + 1 dx, ये है 2x + 1 dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? √x² + x + 1 को t कंसीडर कर लेंगे। √x² + x + 1 = t, इसको हमने क्या कर लिया? इसको हमने t कंसीडर कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा √x² + x + 1 = t². अब यहाँ पे रूट कैसे कट रहा है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे रूट है, तो इस 2 से ये रूट कट हो जाएगा। हमने काट दिया, इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया? x² + x + 1 = t². अब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस 1, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 इक्वल्स टू। अब t² का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2t dt / dx। अब इस वाले dx को इसके साथ लेकर चले जाते हैं 2x + 1 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने, फिर लगाया dx इक्वल्स टू क्या आया? 2t dt। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ गया, देखो इसका, अब यहाँ पे 2x + 1 dx है, 2x + 1 dx है, तो यहाँ पे क्या आया? 2x + 1 dx इक्वल्स टू क्या आया? 2t dt। 2x + 1 dx की वैल्यू क्या है? 2t dt। तो यहाँ पे 2t dt पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। बाहर 2 था, 2 लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या था? सॉरी, रूट के अंदर क्या था? रूट के अंदर है √x² + x + 1, इसको हमने क्या कंसीडर कर रखा है? इसको हमने t कंसीडर कर रखा है, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? t रखेंगे। तो t पुट कर दिया हमने इसकी जगह पे। अब 2x + 1 dx की जगह पे क्या कंसीडर करेंगे? 2x + 1 और dx की जगह पे हम करेंगे 2t dt। तो क्या आ गया यहाँ पर? 2 बाहर लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2t² dt, ये आ गया। अब ये 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लेकर चले जाएंगे। तो 2 2 जा 4, इंटीग्रेशन का साइन लगाया,
यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे एक्स एन का फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। इसको हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा फोर लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा टी के पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी, ये आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर बाय थ्री लिख सकते हैं ना, फोर बाय थ्री। अब टी हमने किसको कंसीडर कर रखा है, टी हमने कंसीडर कर रखा है रूट एक्स प्लस सॉरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हमने टी कंसीडर कर रखा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर फोर बाय थ्री। अब इस रूट का वैल्यू क्या होता है, इस रूट का वैल्यू होता है वन बाय टू। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर हो जाएगा वन बाय टू का होल पावर हो जाएगा थ्री प्लस सी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया फोर बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब वन बाय टू को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर टेंथ के साथ मिलते हैं।